हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनाली और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूं, बल्कि आज मैं आपको बताने वाली हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। और आपकी बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि आप कौन सा हैंड ब्लेंडर यूज़ करते हैं, कौन सा चॉपर यूज़ करते हैं या कौन सा विस्कर यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने किचन में कौन से विस्कर, कौन से हैंड ब्लेंडर को यूज़ करती हूँ, कौन से चॉपर को यूज़ करती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ ये अगारो का 800 वॉट हैंड ब्लेंडर विथ चॉपर। ये आपकी रेगुलर किचन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल फंक्शंस मिलते हैं आपको, जैसे कि आप हैंड ब्लेंडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, चॉपर भी है इसमें एंड विस्कर भी है। तो तीनों रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट करता है ये अगारो का 800 वॉट हैंड ब्लेंडर विद चॉपर। तो करेक्ट कुकिंग के लिए, करेक्ट तरीके से ब्लेंडिंग, करेक्ट तरीके से ग्राइंडिंग और करेक्ट तरीके से विस्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी डिश को परफेक्ट बनाने के लिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे किचन का ट्रू कंपेनियन कौन है, जो मेरे खाना बनाने में मेरी हेल्प करता है, जो है अगारो का 800 वॉट हैंड ब्लेंडर विद चॉपर। इसमें हैंड ब्लेंडर का ऑप्शन भी रहता है और आप इसे चॉपर को हटा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये 500 ml का चॉपर आपको मिलता है इसके अंदर। साथ में हमें मिलता है ये मेन इसका मोटर सेक्शन है, जहाँ पर आपको सारे फंक्शंस इससे अटैच करके करने होते हैं। एंड ये आपको मिलता है 600 ml का बीकर, जिसमें आप मिल्क शेक्स रेडी कर सकते हैं। साथ में हमको मिलता है विस्कर, इसमें हम विस्क को अटैच करेंगे। और हमें मिलता है ये ब्लेंडर, इसमें आपको मिलता है डिटैचेबल ब्लेंडिंग शाफ्ट, जिसको आपको ये बटन्स जो दिए हैं इसको आपको हल्का सा प्रेस करना होता है एंड ये हल्का सा ऐसे अलग हो जाता है। तो आप इसको डिटैच भी कर सकते हैं और आराम से इसको क्लीन कर सकते हैं। डिटैचेबल ब्लेंडिंग शाफ्ट के अलावा आपको साथ में मिलता है ये प्रोटेक्टिव गार्ड। ये बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है इसमें, जो कि जब आप इसमें कोई भी स्मूदी बनाते हैं, कोई भी चटनी ब्लेंड करते हैं, तो आपका ये स्पिल नहीं करता। यानी कि अगर आपने इस तरीके से किसी चीज़ को ब्लेंड किया है तो ये कभी भी बाहर नहीं निकलती आपकी कोई भी चीज़, और इधर उधर फैलती नहीं है। तो बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। साथ में इसमें दो मोड्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला मोड होता है चॉपिंग के लिए, प्योरी के लिए, मिक्सिंग के लिए, एंड सेकेंड वाला जो मोड होता है उसे आप आइस क्रश कर सकते हैं, मिल्क शेक्स बना सकते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं। सेकेंड वाले मोड में आप स्पीड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये है स्पीड रेगुलेटर, इससे आप स्पीड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मिल्क शेक्स बनाने हैं तो स्पीड रेगुलेटर को आपको लो पे रखना होगा, क्योंकि मिल्क शेक्स आराम से तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको आइस क्रश करनी है तो आपको इसको हाई पे रखना होगा, जिससे आइस क्रश हो जाए आराम से। साथ में ही आता है 600 ml बीकर, इसमें आप मिल्क शेक्स वगैरह रेडी करके रख सकते हैं या कोई भी लिक्विड आइटम जो भी आप रेडी कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, इसमें डाल के ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड देन उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलता है ये चॉपिंग अटैचमेंट, जिसमें आपको मिलते हैं ये स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, अप टू 10 ईयर्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इतने ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होते। और ये जो प्लास्टिक इसमें यूज़ हुआ है, ये अनब्रेकेबल प्लास्टिक होता है, आपकी कोई भी चीज़ जब आप चॉप करेंगे तो आसानी से ये टूटता नहीं है, और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज़ हुआ है। तो ये आता है 500 ml का आपका चॉपिंग अटैचमेंट इसके साथ में, जिसमें आप चॉपिंग कर सकते हैं। इसके साथ में हमें मिलता है विस्कर, इसको हमको लगाना है सबसे पहले इस वाले अटैचमेंट में इस तरीके से, एंड देन आपको प्लेस करना होता है इसको इस तरीके से, एंड इससे आप आसानी से कोई भी चीज़ विस्क कर सकते हैं। इसका जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो भी बहुत इजी है, आपको इजीली इसे डिटैच करना है एंड देन आपको इसे वॉश कर लेना है, इजीली ये वॉश हो जाएगा, ये ब्लेड्स इसके साफ़ हो जाएंगे। तो अगारो का जो 800 वॉट हैंड ब्लेंडर विद चॉपर है, इसमें आपको स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, तो 10 ईयर्स तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये अगारो का जो चॉपर है, इसको मैं आपको सबसे पहले यूज़ करना बताऊंगी। इसमें मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ एक अनियन, तो ये रफली चॉप्ड अनियन है, और आपको इसको मोड 1 को सेलेक्ट करना है और इसे चॉप करना है। ये इजीली चॉप हो जाता है 2-3 बार में ही, तो आप देख सकते हैं कितना फाइनली चॉप हो गया है। तो जो काम बहुत देर में होता है चॉपिंग का, वो इससे बहुत ही आसानी से हो जाता है।
तो ये एकदम रेडी है, आप देख सकते हैं कितना फाइनली चॉप हो गया है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है इसको चॉप करने में। इसी तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्लेंडर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे ब्लेंडर को, और ये जो बीकर है इसमें मैं आपको डाल के दिखाती हूँ मैंगो के कुछ पीसेस, और मैंगो को हम ब्लेंड करेंगे इस तरीके से। तो इसमें हमें सेलेक्ट करना होगा मोड 2, और ये भी बहुत इजीली, बहुत ही जल्दी आपका मैंगो रेडी हो जाता है ब्लेंड होके। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। इसी तरीके से मैं आपको विस्कर का भी यूज़ करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम ले ली है और विस्कर को मैंने अटैच कर लिया है, जैसे मैंने आपको अटैच करना बताया था। अब आपको क्रीम को व्हिप करना है। पहले हम मोड 2 सेलेक्ट करेंगे और स्पीड को एकदम लो रखेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए व्हिप करेंगे। उसके बाद स्पीड को हम बढ़ा देंगे यानी मैक्सिमम कर देंगे और क्रीम को व्हिप करेंगे जब तक इसमें स्टिफ पीक्स नहीं आ जाते। तो इसमें आपके 4 से 5 मिनट्स लगते हैं और ये आपकी जो क्रीम है वो व्हिप हो जाती है। अब आप इसको आइसक्रीम्स में यूज़ करिए या फिर आप केक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से व्हिप हो जाती है क्रीम। तो देखा ना आपने कि तीनों चीज़ें कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हो गई। तो ये अगारो का हैंड ब्लेंडर एंड चॉपर आपके सारे किचन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। सो दिस इज अ परफेक्ट कंपेनियन फॉर योर किचन रिक्वायरमेंट्स। तो आपको इसे ज़रूर यूज़ करके देखना चाहिए। आपको 3-in-1 ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप चॉपिंग भी कर सकते हैं, ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी हो जाते हैं सारे प्रोसेस, तो आपको ज़रूर यूज़ करके देखना चाहिए। मुझे ही पर्सनली प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है, तो आपको भी आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा। तो इसको ट्राई कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके चेक कीजिए, और बाइंग लिंक्स भी दिए हैं, वहाँ से जाके आप इजीली बाय कर सकते हैं। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।